हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। और सरदाराम बोल रहा हूँ। है हाँ जी, हाँ जी, पहचान हूँ आपका। हाँ एक आदमी, जी, खूब बताओ। आपका वो लेक्चर सुना मैंने, बहुत इम्प्रेसिव था, बढ़िया था, जी, और सारी बातें बिल्कुल सही थी। लेकिन एक कंफ्यूजन मुझे अभी भी हो रहा है, क्योंकि मैंने जी। वो पढ़ानी है, घर पे ही पढ़ा रहता हूँ ना। तो वो मैं ये कह रहा था कि जो ठेका खेती होगी, उसमें जमीन किसकी होगी? नहीं, कि जमीन तो किसान की होगी, लेकिन वो किराए पर देगा नहीं, उसे उस पर एग्रीमेंट होगा नहीं, कंपनी एग्रीमेंट करेगी 1 साल से लेकर 9 साल तक के लिए। कंपनी उसे क्या राइट होगा कंपनी को? को राइट ये होगा कि वो अपनी मर्जी की फसल बुआएगी अपनी देख रेख में, ठीक नहीं, है जी। वो ठीक समझ गया मैं, लेकिन जब किसान की जमीन है, वो तो कहेगा मैं तो अपनी खेती जैसे करूँ वैसे करूँ। कहाँ नहीं, फिर उसका अधिकार खत्म हो जाएगा किसान का। कंपनी ने मान लिया, आपसे कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट कांटेक्ट जो होता है सिविल, उसमें जो प्रोसीजर में कांटेक्ट एक वो होता नहीं, हो गया, मान लिया वो तो मैंने। आप कंपनी हो, मैं किसान हूँ, आप मुझसे कहोगे मैं आपकी जमीन 1 साल के लिए लेना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कॉन्ट वो करना चाह रहा हूँ, एग्रीमेंट ठीक। एग्रीमेंट भरा जाएगा कि हाँ मैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी भरना है। हाँ अब ये उसके बाद जो कंपनी कहेगी वो बीज डालना है, जो कंपनी कहेगी वो खाद देना है, जो कंपनी कहेगी उतना पानी लगाना है, ठीक वो तो मैं समझ गया। है। हाँ उसमें प्रावधान फिर ऐसे रखे हैं कि उसमें कंपनी जब चाहे किसान का शोषण कर सकती है, उसमें प्रावधान ऐसे रखे हैं इन्होंने, इसलिए इसका विरोध हो रहा है वो भी ठीक है। कि उसमें उसमें कंपनी को मॉनिटरिंग करने का अधिकार होगा। नहीं, मैं सिर्फ, मेरा इतना सवाल है और सब मैं सब समझ रहा हूँ कि ये जो कानून आ रहा है, ये लागू होगा, और लागू होने के बाद कॉरपोरेट है एक, और एक है आगे, फिर चल के बिचौलिया उचौली छोड़ के किसान है जिसके पास अब जमीन है। आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेट उसको ठेके पर देगा जमीन को, या कॉरपोरेट जो है वो किसको देगा ठेके पे? ठेके कॉर्पोरेट क्यों देगा ठेके पे, वो तो ले रहा है ठेके पे वो। पे ले रहा है, किसान से ले रहा है। हाँ, मतलब किसान ना दे तो नहीं, ना दे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। फिर तो सारे मने कर देंगे, कंपनी देते, मतलब ज्यादातर ये संभव है क्या, आप मान रहे हो ये संभव है? नहीं, संभव तो नहीं है। एक थ्योरेटिकल प्रश्न तो आता ही है कि वही मान लिया 50% ने दिया, 50% ने नहीं दिया, या 40 ने दिया, 60 ने ना दिया। आप जो नहीं, आप तो बहुत अनुभवी और बहुत समझदार और बहुत ज्ञान है आपको, और आप जमीन पे काम किया आपने। हाँ जब एक कल्चर शुरू हो जाती है नहीं, अच्छा ये एक टुकड़ा डालना हो गया, अच्छा अच्छा जियो ने जब अपने ये सिम लॉन्च करे तो फ्री में बांटे हाँ कि हम फ्री दे रहे हैं, बीएसएनएल ठप हो गई, बीएसएनएल के लोगों ने सिम फेंक फेंक के जियो के ले लिए, हाँ फिर उसने पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए, जैसे ही बीएसएनएल खत्म हुई पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए, पहले 99, फिर 199, अब 499 का उसका एक महीने का, हाँ ठीक है जी। वो मैं आपको याद दिला दूँ तो ठीक है। नहीं, मेरी बात सुन लो, जो आप पूछ रहे थे मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा अब इन कंपनियों के पास इतनी पूंजी होती है कि साल, 2 साल, 3 साल का घाटा झेल सकते हैं, कोई दिक्कत, वो भविष्य देखते हैं, हाँ सड़क बना दी पूरी, जेपी ने बना दी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की सड़क, अब उस पर कितने साल, 50 साल टोल वसूलेगा, 100 गुना वसूलेगा। जब शुरू में तो उसने पैसा लगाया ना, तो हाँ वो कहने में तो ऐसा लगता कंपनी पैसा लगा के अपने पैसे से बना रही, तुम पे क्या जोर पड़ रहा है, लगता था ऐसा जैसे धर्मात्मा है, समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। हाँ अगर इसी सड़क को गवर्नमेंट बनाती तो इन लोगों की लुटाई तो नहीं होती, जो लोगों की लगातार लुटाई हो रही है, हाँ लंबे 500 रुपये ले लें आगरा तक के एक बार जाने के, ठीक समय तक कोई यार। हाँ है जी। तो वो शुरू में आप एक गांव में आएंगे, गांव में कहेंगे भाई हम जो है, मान लिया किसान को आइडिया होता है, अब गांव में हमारे जैसे मेरे खेत जो 5,000 रुपये बीघे पे उठे हुए हैं 1 साल के लिए, अब वो कहेगा भाई हम तो इतना इतना रुपया देंगे आपको, मुझे मान लिया मिलने लगे 10,000 रुपये,
तो किसान कहाँ रुक जाएगा, फिर भाग भाग के देगा। हाँ देगा, ठीक है। क्यों जी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। अब वो साल दो साल तीन साल उसे जो है ठीक रेट दे देगा, और फिर कहेगा भाई अब तो ये रेट, अब तो इसमें मंदी आ गई, हम तो इस रेट में लेंगे। वो शर्तें जो है तो समझ रहा हूँ सारी बात। एक बात और सुन लो आप, जो एक एक मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ, फुर्सत में तो वैसे तो कोई दिक्कत तो नहीं बात करने में। ना, कोई भी दिक्कत नहीं। एक मैंने उसमें पढ़ा था, एक वो है अर्थशास्त्री है, वो धीरेंद्र करके, धीरेंद्र क्या नाम पूरा उसका, उसके लेख आते हैं रेगुलर, लिखता हूँ दैनिक जागरण में। अच्छा, एक बार उसने लिखा कि ये जो जो ये जो रियल इस्टेट जो होता है ये किस तरह काम करता है, ये जो प्लॉट और बिल्डिंग जो बनावे। उसने कहा एक आदमी सूट बूट पहन के, रही हाथ में सूट केस लेके गांव में आया। उसने गांव वालों से कहा जी कुछ बिल्ली खरीदनी है। गांव वाले ने सोची यार आज तक तो कहीं बिल्ली खरीदना, उसने बिल्ली कौन पैसा दे रहा। तो निकल जी बिल्ली को तुम क्या खरीदोगे? नहीं हमें खरीदनी है, जरूरत है, हम 100 रुपए बिल्ली लेंगे। अब जी गांव वाले ने पकड़ पकड़ के बिल्ली, उसने एक मकान किराए पे ले लिया और उसमें बिल्ली रख ली वो, और उनके दूध की और खाने की व्यवस्था कर दी, और लोगों ने 100 100 रुपया 100 100 रुपया हम बिल्ली पकड़ पकड़ गांव में जितनी बिल्ली है पकड़ पकड़ के वहां दे दी, दो चार बिल्ली बची। एक हफ्ता बाद एक दूसरा आदमी आया, निक साहब कुछ बिल्ली खरीदनी है। गांव वाले बोले बिल्ली इनके कुछ ज्यादा ही विशेष महत्व होगा, दिखा है निक भाई कितने खरीदेगा? नहीं जी 500 रुपये बिल्ली। बोले उन्होंने की साले तुमने तो 100 100 में लुट गए तुम तो। अब जो दो चार बिल्ली पर बच रही थी वो कोई लेके आया तो उनने 500 500 रुपये हम खरीद ली भाई, ठीक है जी। अब वो जो है गांव वाले उसके पास जाल लगे जिसने पहले खरीदी 100 100 में, नहीं भाई हमारी बिल्ली वापिस दे, हम ना दे रहे तो बिल्ली, हम तो अपनी वापिस ले रहे हैं, माने की तो 300 रुपये में दूंगा। अच्छा, मैंने इन्हें दूध भी पिलाया और ये खवाया और वो खवाया, लोगों ने 300 300 रुपये हम बिल्ली खरीद ली वापस हो गया, 500 में बेचेंगे। और वो जो दूसरा आया वो आया ही ना, फिर उन्हीं की बिल्ली 100 में खरीद के 300 में बेच गया उन्हें। इस तरह पूंजीवाद काम करता है, ठीक। ये यही करेंगे कि पहले जो थोड़ा महंगा खरीद लेंगे और फिर इसमें जो प्रावधान है नी, जैसे खेती मतलब उस पर लेगा ना, वो किराए पर लेगा, तो पहले ये वो ये बताएगा कि हमें जो फसल बुआनी है हम उसे उस रेट में खरीदेंगे। हाँ वो पहले तो हाँ, अब उसने कह दिया हमसे कि हम अब तुम गेहूं बो इसमें, और उसमें फिर ये क्लॉज दिया है कि उसकी मॉनिटरिंग करेगा वो। अच्छा, अगर उसके उसके सही तरीके से खाद बीज पानी निराई गुड़ाई जो सही नहीं हुई, उसे लगा कि किसान ने लापरवाही की है, तो बीच में एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है, ठीक है जी। और अगर दोनों में कोई विवाद होगा पैसे वैसे को लेकर या उसको लेकर क्वालिटी को लेकर, अगर फसल की क्वालिटी सही नहीं है वो कह सकता है इसकी क्वालिटी सही नहीं है, किसान कहेगा क्वालिटी सही है, तो फिर उनके बीच में फैसला कैसे होगा? उसके लिए वो प्रावधान इतना खतरनाक रखा है कि पहले एक सुलह बोर्ड बनाई जाएगी, सुलह बोर्ड में दोनों के प्रतिनिधि होंगे, वो 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे। 30 दिन के बाद फैसले में अगर फैसला नहीं होता है, एक पक्ष को मंजूर नहीं होता है, तो वो SDM के कोर्ट में जा सकता है। फिर 30 दिन का समय SDM को दिया है, और उसमें ये भी लिखा है कि अगर SDM के कोर्ट में सीधे चली जाएगी पार्टी, तो SDM फिर ये पूछेगा कि तुमने सुलह बोर्ड में नहीं गए तुम? वो कहेगा जी हमने तो बनाए नहीं है। तो SDM पहले सुलह बोर्ड का गठन करेगा और 30 दिन का समय उन्हें देगा, ठीक है जी। फिर 30 दिन के अंदर SDM फैसला सुनाएगा अपना, 30 और 30 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। फिर उसको एक जो पार्टी असंतुष्ट होगी उसको 30 दिन का समय अपील के लिए दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता, 3 महीने हो गए। अपीलेट कोर्ट होगी ADM या DM जिसे डिप्यूट करे, फिर 30 दिन का समय उसे दिया गया, तो 4 महीने का टाइम पूरा है डिस्प्यूट के लिए। अब कौन किसान अपनी फसल खेत में छोड़कर 4 महीने उलझेगा उसमें, ये बताओ। और क्या SDM या ADM उनके पक्ष में किसान के पक्ष में फैसला सुना देंगे अंबानी के सामने? और उसमें साफ फिर ये लिखा हुआ है कि ये किसी सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, इस एक्ट के तहत कोई भी विवाद सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा, यानी कि वो SDM और ADM जो फैसला करेंगे वही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है जी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मान लिया हमसे गेहूं बुआ दिए उन्होंने या कोई भी फसल आलू बुआ दिए,
अब व्यापारी को लगा, व्यापारी तो बाजार पे पूरी नजर रखता है, व्यापारी को लगा कि इस बार तो आलू डाउन जाएगा, तो वो बीच में कोई बहाना लगा के कि तुमने खाद पूरी नहीं डाली, मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ अपना पूरा जो, ठीक है जी? जी अब उसने जो किसान को एडवांस दे रखा है उसकी वसूली के लिए वो कोर्ट में डाल देगा, किसान की फसल भी बेचारे की रहेगी, अब उसके पैसे कहाँ से दे किसान? तो उसमें लिखा हुआ है कि इसकी रिकवरी जो है लैंड रेवेन्यू की भांति की जाएगी, एज लैंड रेवेन्यू। और लैंड रेवेन्यू में ये प्रावधान है कि अगर भू राजस्व किसी बकाया है तो अमीन उसे बंद कर सकता है उसमें हवालात में 14 दिन के लिए, और तहसीलदार उसकी जमीन को कुर्क करके नीलाम कर सकता है। एक इसमें ये भी दिया प्रावधान के वो कंपनी जो है उस फसल पे लोन ले सकती है बैंक से, तो उसमें लिखा है कि जमीन पे लोन नहीं लिया जाएगा, फसल पे लिया जाएगा जिसे बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, लेकिन खतौनी में तो किसान की में चढ़ेगा वो जी। और मान लिया बीच में कंपनी भाग गई, तो जब तक खतौनी में सुनी हटेगा किसान तो ना अपनी जमीन बेच सकता ना उसको कोई और कुछ कर सकता, तो मजबूरी में उस किसान को चुकाना पड़ेगा वो। तो ये है ये तो मैं समझ रहा हूँ। और अब इसमें इतनी खबरें आ गई हैं, ये तो मोदी ने बड़ा एहसान करा इस देश में, मैं बताऊँ आपको, ये जो अड़ रहा हो ना जितना, उतनी लोगों में जागरूकता फैल रही है, लोग नई नई खबरें, जो अच्छे पत्रकार लगे हुए हैं जनवादी पत्रकार, उन नई नई खबरें निकाल के ला रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ला रहे हैं। तो ये तो इसके गले को पड़ गया, नहीं तो ये जो पता नहीं इस देश को कहाँ ले जाता, ये तो इस पे ही घिर लेगा अभी। अब कई खबरें इस टाइप की आई हैं कि अडानी ने जो है 2016 में जमीन खरीद ली थी पानीपत में 100 एकड़, ना वो तो मुझे पता गोदाम बना रहे हैं। और इस बिल के लागू होने से 28 दिन पहले उसने वो लाइसेंस लिया है गोदाम के लिए, उसके लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, यानी पूरी तरह खेती को इनके हाथ में देने की वो है प्लानिंग, इसलिए जो ये खतरनाक है जी। और ये मुकेश अंबानी ने अभी 2 साल पहले एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्पीच दी थी इसने, तो इसने वहां स्पष्ट कहा था कि हम इसमें मेडिकेयर में और उसमें अनाज उत्पादन के क्षेत्र में हमारी कंपनी आना चाह रही है। अच्छा। तो उनकी इच्छा है, उनकी जो आकाओं की, मोदी जी उनके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। किसान को तो इसमें कोई भी लाभ नहीं है, ये जो कह रहे हैं हमने किसान को छूट दे दी। आप एक बात समझो कि जैसे गांव में लोग पहले महाजन से लोन लिए करे, तो वो उन्हें लूटे 30-30% पे 40-40% पे लोन दिए करे, तो सरकार ने बैंक बनाए और ब्याज पे पैसे देने को गैरकानूनी घोषित कर दिया। कर दिया नहीं? कर दिया कि कोई भी आदमी किसी को वैसे बिना रजिस्टर्ड कराए कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, और उसमें एक लिमिट होगी कि इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते, ब्याज नहीं ले सकते। अब मान लो उस कानून को खत्म करके न्यू कह दे, हम तो गरीब लोगों को आजादी दे रहे हैं, वो कहीं से भी लोन लो जाके किसी से भी, रजिस्टर्ड कंपनी की क्या जरूरत है, क्यों जी? बिल्कुल। लेकिन अगर गंभीरता से सोचोगे तो वो तो पुराने वाम ही चले जाएंगे, बर्बादी के वाम ही। कोई पैसा वाला क्यों उन्हें कम ब्याज पे लोन देगा? तो ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमने तो किसान को आजादी दे दी, ये पूंजीपति इतने पागल हैं कि महंगे दम पर खरीद लेंगे, इसलिए किसान कह रहे हैं कि उसका जो MSP का वो बताओ, कानून बनाओ और खरीदने की गारंटी। हाँ जी, तो ये है जी, ये तो जो है, मैंने तो बहुत गंभीरता से इसे पढ़ा भी है, समझा भी है, मैं तो बहुत, जब किसी विषय पर मैं बहुत गहरी नजर रखता हूँ फिर उसे समझने बिना मैं बोलता नहीं कभी भी। बहुत बढ़िया था आपने, बहुत अच्छा था। थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए भाई, जमीन किसकी रहेगी? नहीं, जमीन तो सैद्धांतिक तौर पे तो कानूनन तो रहेगी किसान की, लेकिन धीरे धीरे छिन जाएगी वो, फिर परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी। दूसरी बात यू है कि वो आपने एक कहावत सुनी है कि वो जो एक सर्कस में जब ये लागू हुआ ना, जैसे ये लड़ती रहती है मेनका गांधी, अरे एक भाई जीवों पे वो नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, अरे अब ये बंद हो गए ना सर्कस वर्कस में, शेर नहीं ना चाह सकते, अब शेर हाथी कुछ नहीं कर सकते, या मदारी भी खेल दिखाई कराए तो वो भी, तो एक सर्कस वाले ने जो उसके शेर थे वो ले जाके जंगल में छोड़ दिए, तो वे शेर जो है धीरे धीरे भूखे मर गए और कुत्ते खा गए उन्हें, कुत्ते लिपट लिपट गए, क्योंकि वो शिकार करना भूल गए थे। हाँ।
भूल गए उन्हें वहां बना बनाए मांस मिलाया तो उन पे ना तो शिकार हुआ ना तो वे भाग सके शिकार के पीछे। अब वे या इंतजार में बैठे रहे कि तुम जैसे उन्हें खाना मिले कराए सर्कस में तुम्हें कोई खाना देगा आके वे कुछ तो भूखे मर गए कुछ कुत्ते ने मार लिए। तो जब किसान को हराम पच जाएगा कि साल में नगद पैसा मिल रहा है तो धीरे धीरे किसान नकारा हो जाएंगे और वो जो खेती तो चली जाएगी फिर उनके खेत तो चले जाएंगे। इनसे तो छुटकारा सभी पाना चाह रहे हैं। आप देख रहे ना अपने क्षेत्र में भाई कद हो रही है एक बार कद मिल रहा है भाई मुआवजा ये हाल है। ठीक है चलो ठीक है जी समझ आ गया थैंक यू। अच्छा जी नमस्कार। Thank you.